डाटा एंट्री ऑपरेटर संघ के आह्वान पर 28 एवं 29 नवंबर को दो दिवसीय राज्यव्यापी हड़ताल के पूर्व संध्या पर निकाला गया मशाल जुलूस। बिहार राज्य डाटा एंट्री कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के आह्वान पर सेवा समायोजन की मांग को लेकर के 28 एवं 29 नवंबर 2023 को राज्यव्यापी दो दिवसीय हड़ताल के आह्वान के पूर्व संध्या पर 27 नवंबर को मशाल जुलूस निकाला गया। मशाल जुलूस का प्रदर्शन पोलो फील्ड से आरंभ होकर के आयुक्त कार्यालय, आईजी कार्यालय, व्यवहार न्यायालय होते हुए लहरियासराय टावर पर सभा आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता जयप्रकाश मेहता ने किया। दीजिए, क्या क्या कर रहे हैं आज? हमारे जो है बिहार राज्य डाटा एंट्री कंप्यूटर ऑपरेटर संघ जिला इकाई दरभंगा के तत्वाधान में हम सभी डाटा एंट्री ऑपरेटर, जितने भी कार्यरत है आसुलिपिक प्रोग्रामर, आईटी बॉयज, सभी की एक ही मांग है सेवा समायोजन। और इस हेतु हमारा जो राष्ट्र स्तरीय संघ है उनका चरणबद्ध आंदोलन चल रहा है, और उस चरणबद्ध आंदोलन के तहत हम लोग पहले से जो है एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किए हैं। उसके बाद हम लोग एक सप्ताह तक काला बिल्ला लगाकर शांतिपूर्ण तरीके से कार्यालय में कार्य करके सरकार का विरोध प्रदर्शन किए हैं। उस पर भी हमारी मांगों को नहीं सुना गया है बिहार सरकार के द्वारा, और अभी तक कोई मतलब इस पर खोज खबर नहीं ली गई है। इसलिए इस चरणबद्ध आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए कल से दो दिवसीय सांकेतिक हड़ताल है। उस पर हम सभी साथी, हमारे जितने भी जिला इकाई में कार्यरत साथी हैं सभी विभागों में, वो सभी कल से दो दिन के सांकेतिक हड़ताल पर रहेंगे। और ये आह्वान हमारा राज्य स्तरीय संघ के द्वारा है। उस आलोक में पूरे बिहार के डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है वह जो है कंप्यूटर का शटडाउन करेंगे और इस चरणबद्ध आंदोलन में सहयोग करेंगे। ये हमारी जो है, ये हमारी सरकार से जो मांग है सेवा समायोजन, एक ही मांग है सेवा समायोजन। हमें एक उर्मिला नाम की जो है थर्ड पार्टी से हमारा जो है ये कर दिया जाता है, जबकि हमें बेल्ट्रॉन बिहार सरकार का उपक्रम है वो हमें नियुक्ति पत्र देती है। उसमें हमारे नियुक्ति पत्र पर लिखा रहता है बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो बिहार सरकार का उपक्रम है। लेकिन एक जो है बाहरी थर्ड पार्टी से हम लोगों को सिर्फ पेमेंट भुगतान कराया जाता है, और यही जो है एक पेच फंसा करके गवर्नमेंट हम लोगों का शोषण कर रही है, जो अन्यायपूर्ण है, वो कदापि न्यायपूर्ण नहीं है। इसी के चलते हम लोग का एक ही मांग है कि सेवा समायोजन सरकार करे। इसलिए हम लोग दो दिन के हड़ताल के पूर्व जो है हम लोग पूर्व संध्या पर मशाल जुलूस निकाल करके धरना पर कहाँ रहेंगे धरना पर कल से? बोलो फील्ड जो है हम लोग का धरना स्थल जो सरकार के द्वारा निर्धारित स्थल है, वहाँ धरना प्रदर्शन होगा, वहाँ पर हमारे सभी साथी एकत्रित होंगे। क्या नाम हुआ आपका? जयप्रकाश मेहता। आप लोग अभी हम लोग बिहार राज्य डाटा एंट्री कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के राज्य कमेटी के आह्वान पर अपने मांगों के लिए, जो हम संविदा कर्मी हैं उसको सरकारी सेवक घोषित करने के लिए, सरकार में समायोजन करने के सवाल पर दो दिवसीय राज्यव्यापी हड़ताल है 28 और 29 नवंबर को। उसके पूर्व संध्या पर आज हम पोलो फील्ड से प्रदर्शन निकाल करके आयुक्त कार्यालय, आईजी कार्यालय, समाहरणालय, व्यवहार न्यायालय होते हुए हम लोग लहरिया टावर पहुंचे हैं, जहां नुक्कड़ सभा कर रहे हैं। कल से हमारे डाटा एंट्री ऑपरेटर के साथी हैं, वो कल दो दिन के हड़ताल पर रहेंगे। क्या नाम हुआ? फूल कुमार झा, जिला मंत्री बिहार राज्य और राजपत्रित कर्मचारी महासंघ। संविदा पर बहाल हम हुए हैं, हमको तो रेगुलर करोगे, सुप्रीम कोर्ट कहता है 240 दिन तक कोई काम किया है उसको रेगुलर करो। उस आलोक में मैंने 20 वर्ष, 22 वर्ष, 25 वर्ष से अपनी जवानी को खपा दिया है बिहार सरकार की सेवा करते करते। एक एक रिपोर्ट रिटर्न हम करते हैं और हमें लोग सरकार सरकारी सेवक नहीं घोषित कर रहा है, वेतन मान के साथ साथ नियमितीकरण नहीं कर रहा है। इस सवाल को लेकर के हम आज मशाल जुलूस किए हैं। कल हमारे सुबह दरभंगा जी